हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मुझे भी कभी कभी याद कर रहे होंगे। तो चलिए, आ गए हैं हम वापस से आपसे मिलने के लिए। कहाँ थे हम और क्या आज स्टार्ट करना है? तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 7, स्टैंडर्ड 11, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहाँ पहुँचे थे हम? तो हमने किया था 7.1 की परम्यूटेशन क्या होता है, उसमें कैसे अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है। फिर हमने किया एक और लेक्चर अलग से आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली NPR, व्हाट इज़ द परम्यूटेशन, NP एंड R, मतलब R प्लेसेस के लिए, N पर्सन्स या N थिंग्स के लिए जो परम्यूटेशन होता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द N फैक्टोरियल इज़, NPR को शॉर्ट मेथड में अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है। ये बेसिक परम्यूटेशन था। अब आज जो हम करने वाले हैं, परम्यूटेशन में ही हम NPR का यूज़ करेंगे अगर कुछ कैलकुलेशन वाले सम्स आ जाए, या फिर उसके अलावा हम ये चीज़ें भी करेंगे कि हमें करना है कि भाई किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अगर रिपीटेड परम्यूटेशन हो, अगर सर्कुलर परम्यूटेशन हो, क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बारी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। क्या है हमारी फॉर्मूला? सो फॉर NPR इट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारी फॉर्मूला थी, ठीक है। और इसमें क्या था बेसिक हमारा कंसेप्ट कि n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू n, एंड n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। ये आपका कंपलसरी कंडीशन था। अगर भूल से कहीं पे भी ज़ीरो फैक्टोरियल आ गया सो वो था वन, ठीक है। अगर आपने लिखा हो n फैक्टोरियल विच इज़ वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू n, और दिस इज़ n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n, और दिस इज़ n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन, जो भी आप तरीका चाहो आप यूज़ कर सकते हो। फिर ऐसा कुछ था कि अगर मैंने लिखा हो NP2, सो व्हाट डज दैट मीन? स्टार्टिंग विथ n वी हैव टू राइट डाउन टू वैल्यूज इन अ डिक्रीजिंग मोड, ठीक है। तो डिक्रीजिंग मोड में इट इज़ n, n माइनस वन दो वैल्यूज हो गई। अगर मैंने लिखा होता NP4, सो n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा हो 10P3, सो स्टार्टिंग विथ 10, डिक्रीजिंग मोड, थ्री वैल्यूज कंजर्वेटिव, सो इट इज 10 × 9 × 8, ठीक है। अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो सो दिस इज 720, मतलब जिस तरीके से भी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो भी आपको पूछा हो उस तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस। हम रिपीटेड परम्यूटेशन भी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारा आगे का इलस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट, देखते हैं क्या है उसमें। नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन 12। आगे की जो इलस्ट्रेशन है उसमें रिपीटेड परम्यूटेशन जैसा कुछ है, सो वो हम करते हैं बाद में। पहले इलस्ट्रेशन 12, व्हाट इज एग्जैक्टली द गिवन थिंग इज कि NP5 इज इक्वल्स टू 42 NP3। NP5 illustration 12, NP5 is 42 into NP3. This is given as the question. What we have to do, हमें find करना है value of n, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? As NP4 मतलब चार values थी, तो NP5 मतलब कितनी होगी? पांच values। किस कौन सी? Decreasing order, consecutive, so n minus 1, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड n माइनस फोर। ये हो गई 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इक्वल्स टू 42 NP3, n से लेके तीन वैल्यूज n माइनस वन, n माइनस टू। अगर मैंने इस तरीके से फॉर्मूला प्लेस करी होती तो भी चलता, बट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता, सो हमने डायरेक्टली सम कर लिया। सो वॉट इफ आई एम गोइंग टू कैंसल आउट द वैल्यूज n minus 1, n minus 2, so this is n minus 2 into n minus 3
एंड एन माइनस फोर विच इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पे ये देखिए कि n माइनस थ्री एन माइनस फोर अगर मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ आएगा, लेकिन अगर मुझे सामने कंपेयर करना है 42, सो दिस आर द टू वैल्यूज। यहाँ पे भी 42 को टू वैल्यूज में लिख सकते हैं, सो इट इज 7 × 6 क्यू, टू वैल्यूज इन अ डिक्रीजिंग मोड, इन अ डिक्रीजिंग मोड, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव, सो n माइनस थ्री इज गोइंग टू बी कंपेयर विद 7, अगर इसको 6 से कंपेयर किया वही होगा। सो वॉट इज n? n इज 10, दिस इज योर आंसर। ये पूछा था आपको क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ n। सिंपल, हम वो फैक्टोरियल के बदले डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करते हैं, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, इसी का सेकेंड क्या दिया है, np4 अपॉन n माइनस 1p4 इज इक्वल्स टू 5/3। 12 इलस्ट्रेशन 12 सेकेंड, np4 अपॉन n माइनस 1p4 है या 3 है, विच इक्वल्स टू 4, विच इक्वल्स टू 5/3, एंड n इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है, n इज ग्रेटर देन 4। अब इसकी मैं कंडीशन बोल दूँ आपको कि क्यों ऐसा दिया है, बिकॉज अगर भूल से भी n अगर 4 हो गया तो 4 माइनस 1 इज 3, एंड 3p4 ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज हमें पता है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। अब r की वैल्यू खुद 4 है तो n की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे 4 पॉसिबल नहीं है, इट शुड बी n माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो वहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मतलब 4 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो टेकिंग द वैल्यूज ध्यान से, स्टार्टिंग विथ n, 4 वैल्यूज n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, स्टार्टिंग विथ n माइनस 1, 4 वैल्यूज n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4, विच इक्वल्स टू 5/3। अगर ध्यान से देखें तो कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है, माइनस 1, माइनस 2 एंड माइनस 3, तो बचा n अपॉन n माइनस 4 विच इज 5/3। तो क्या होगा यहाँ पे, 3n is equals to 5n minus 20. So if I'm going to take 2n, 20, so what is the value of n? That is 10. Simple, ये direct होगा इसका answer. ठीक है, बहुत ही ईजी। आपको क्या करना है, np4 मतलब n से लेके 4 values decreasing order consecutive, ठीक है, पॉजिटिव में ही जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने 7 और 6 लिखा, कुछ लोग बोलते हैं कि 21 और 2 क्यों नहीं आएगा, तो वो कंसेक्यूटिव नहीं है, 14 और 3 भी कंसेक्यूटिव नहीं है, बट -6 और -7 क्यों नहीं आया, बिकॉज हम नेगेटिव में n को नहीं लेते, इसलिए 7 और 6 ही आएगा, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था इलस्ट्रेशन 12। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, उन लोगों ने तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व करा है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यस, 13 विच इज 5 × 4 pr, 5 × 4 pr ऐसा दिया है, 5 अलग है, ठीक है, इक्वल्स टू 6 × 5 pr - 1, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ r, वॉट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r। अब जैसे कि ये वाला सम था np5 या np3, मतलब n भले ही अननोन था, लेकिन वी ऑलरेडी न्यू दैट हाउ मेनी प्लेसेस हैव बीन आस्क्ड, मतलब 5 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 4 प्लेसेस था, लेकिन यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्लेसेस ही नहीं पता है हमें। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं पता है तो क्या करोगे, कंपल्सरी वी हैव टू प्लेस द फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस करा, ध्यान से, 5 एज इट इज, 4 पी आर इफ आई एम कंपेयरिंग विथ एन पी आर, सो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी हिसाब से दिस इज 6 × ये हो रहा है आपका 5 फैक्टोरियल 6 एज इट इज, ठीक है, ये हो जाएगा
फाइव माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जैसे ये सिखाया आपको n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n मतलब होता है n फैक्टोरियल, तो उस हिसाब से फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल इज फाइव फैक्टोरियल, मतलब दिस इज फाइव फैक्टोरियल. नाउ दिस इज फोर माइनस आर फैक्टोरियल एंड द राइट साइड वैल्यू इज, ध्यान से देखिएगा, सिक्स माइनस आर. सो इट इज सिक्स माइनस आर, मैं जो कर रही हूँ वो देखिएगा, फाइव माइनस आर इंटू फोर माइनस आर फैक्टोरियल. क्या लिखा मैंने, ये फोर माइनस आर था, ये हुआ सिक्स माइनस आर. अब फोर माइनस आर एंड सिक्स माइनस आर में बड़ा हुआ सिक्स माइनस आर बाय हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यूज, तो वो दो वैल्यू से बड़ा हुआ, तो सिक्स माइनस आर, उसके बाद एक घटाने के बाद फाइव माइनस आर, ठीक है, उसके एक घटाने के बाद फोर माइनस आर जो कि है हमारे पास. सो वी कैन कैंसल आउट फोर माइनस आर फैक्टोरियल, तो बचेगा क्या, फाइव फैक्टोरियल कैंसिल, ये वाला टर्म, फोर माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा, दैट सिक्स माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर विच इक्वल्स टू सिक्स. बट अब हम वहीं जाके रुक गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, कि जब भी ऐसी कोई वैल्यूज आती हैं हम फैक्टराइज करते हैं, सिक्स माइनस आर एंड फाइव माइनस आर, तो बड़ा कौन है, सिक्स माइनस आर, तो उस हिसाब से दिस इज सिक्स, तो वो हो गया थ्री इंटू टू, नॉट सिक्स इंटू वन, नॉट टू इंटू थ्री, नॉट माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये हो गया थ्री इंटू टू. सो अगर करा हमने कंपेयर, तो क्या होगा यहाँ पे, सिक्स माइनस आर इज थ्री, तो आर इज गोइंग टू बी थ्री. अगर आपने भूल से वो दूसरा वाला कंपेयर करा, फाइव माइनस आर इज टू, तो भी आर हो जाना है थ्री. एक बारी हम सोचेंगे कि ये थ्री प्लेस करने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो 4p3, यस ये हो सकता है, 5 इंटू पी, 5p, ये क्या हो रहा है, r is 3, सो 5p2, यस ये भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा सम, ठीक है. मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था इलस्ट्रेशन 13. नेक्स्ट ऐसे कैलकुलेशन वाले सम्स, यस एक्सरसाइज 7.3 में है कैलकुलेशन वाले सम्स, विच इज सिक्स्थ नंबर n माइनस वन पी थ्री. सेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन सिक्स, n माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर which is 1 upon 9, we have to find out n, ठीक है. अब एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, n माइनस वन पी थ्री, एन पी फोर इज इक्वल्स टू 1 upon 9. अब आप ही सोचो कि n माइनस वन पी थ्री, मतलब स्टार्टिंग विथ n माइनस वन, कितनी वैल्यूज पूछी गई हैं आपसे, तीन. सो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, दिस इज n से लेके चार वैल्यूज, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, दिस इज 1 अपॉन 9. सो वी कैन सी दैट n माइनस वन टू थ्री विल बी कैंसल आउट एंड डायरेक्टली इट इज क्लियर दैट n इज गोइंग टू बी 9 बिकॉज 1 अपॉन n, 1 अपॉन 9, सो ऑब्वियसली 9 हो जाएगा आपका n, ठीक है. मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 7 भी ऐसा ही कुछ है, देखते हैं क्या होता है 7 में. Question 7, first, which is 5PR is equals to twice into 6PR minus 1, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मतलब इस तरीके से R वाला सम है. अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे 5PR which is NPR, so N factorial, N minus R factorial, exactly ditto इसी तरह, ठीक है, विच इक्वल्स टू टू एज इट इज, दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब उस तरीके से सिक्स माइनस आर प्लस वन हो गया. अब ध्यान से
मैं जो कर रही हूँ यहाँ पे वो ध्यान से देखिएगा, 5 factorial 5 minus r is as it is. This is 2 into 6 into 5 factorial. मैंने करा स्प्लिट क्यों, बिकॉज 6 factorial is 1 2 3 4 5 6. 6 अगर मैंने स्प्लिट कर दिया तो बचा 1 2 3 4 5 विच इज 5 factorial. देन दिस इज 7 minus r. सो अगर हम एक एक घटाते जाए 7 minus r 6 minus r, तो बचेगा उसके बाद 5 minus r. फैक्टोरियल की साइन भूल मत जाना. सो 5 minus r factorial, ये दोनों कैंसिल, 5 factorial कैंसिल, ठीक है. तो क्या बचा, 7 minus r, 6 minus r, विच इज 2 into 6 is 12. अगेन टू वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, डिक्रीजिंग वैल्यूज, सो ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू बी 4 into 3, 3 into 4 नहीं होगा बिकॉज ये बड़ा है. सो कंपेरिजन करेंगे, सो वॉट इज 7 minus r 4. सो r हो जाना है 7 minus 4, विच इज 3. एज सिंपल एज दैट. सारे सम्स सेम मेथड वाले मैंने साथ में किए हैं, ठीक है. तो इसी प्रकार अगर आपको और कोई भी सम पूछा गया हो इसी टाइप का, तो ऑब्वियसली अब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है. तो ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन था परम्यूटेशन की फॉर्मूला के हिसाब से. अब जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रिपीटेड परम्यूटेशन. क्या बोलते हैं उसको, रिपीटेड परम्यूटेशन. अब इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू अ नेम, फॉर एग्जाम्पल तेजस, ठीक है. अब ये तेजस अगर मैंने नाम लिखा है, सो इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं आपके पास, वो लेटर्स में क्या है, टी ई जे ए एस, डिक्शनरी ऑर्डर डजंट मेक अ डिफरेंस अभी इस टाइम पे, बट सारे के सारे लेटर्स सिंगल टाइम यूज हुए हैं, मतलब नो रिपीटेशन. सो नो रिपीटेशन, ठीक है. अब अगर मुझे ऐसा पूछा है कि यूजिंग ऑल लेटर्स, हाउ मैनी 4-letter words आर देर. अब जैसे हमारे पास लेटर्स कितने हैं, टी ई जे ए एस, मतलब हमारे पास लेटर्स 5 हैं, बट मैंने आपको पूछा है सम में 4-letter word बनाना है. इस टाइप के सम्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, मैं अपने आप से ही सिखा रही हूँ आपको. सो अब 4-letter word बनाना है, मतलब 1, 2, 3 and 4, दैट इज नो कंडीशन. टी होना चाहिए फर्स्ट या ए होना चाहिए, जे होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया है. मतलब नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस 5 possible ways, ठीक है. सो नाउ फॉर सेकेंड प्लेस क्या आएगा, 4 possible ways. ऑब्वियसली रिपीटेशन नहीं है, ऐसा बोला भी है क्वेश्चन में, सो एक कम होता जाएगा. नाउ फॉर द थर्ड प्लेस क्या आएगा, 3 possible ways, ठीक है. अगर मैंने लिखा फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ पे आएगा 3 minus 1 2 ways. सो आंसर आना है 5 into 4 into 3 into 2, बट मैंने लिखना है ऐसा कुछ. क्यों, जैसे कि 5 से स्टार्ट हुआ, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, मतलब स्टार्टिंग विथ 5, आई हैव रिटर्न 4 values कंसेक्यूटिवली इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर पॉजिटिव वैल्यूज. सो दिस इज कॉल्ड 5P4, और वी कैन से वी हैव टू अरेंज 5 letters इन 4 places. सो इट इज 5P4. तो ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. अभी मैंने आपको अपने पुराने वाले तरीके से समझाया कि फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए, लेकिन अगर ऐसा आपको ही डायरेक्टली सम आएगा तो हम लिखेंगे 5P4 या NPR, वॉट एवर द क्वेश्चन इज. सो नाउ दिस इज 20 into 6, विच इज 120 ways टू फॉर्म 4-letter words फ्रॉम लेटर्स ऑफ तेजस, ठीक है. अगर सेम सम आपको पूछा हो, सेम सम, ठीक
ठीक है, अगर आपको पूछा है ध्रुव, अब ये जो ध्रुव नाम मैंने लिखा है आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा सोचिए कि जब आप स्कूल में जाते हो आपका वो अटेंडेंस होता है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अगर किसी लड़के का नाम है लालू, ठीक है, किसी लड़के का नाम है लालू और किसी लड़के का नाम है, चलिए किसी लड़की का नाम लेते हैं लाली, अब ये लालू और लाली एक ही क्लास में है, जो अटेंडेंस रजिस्टर बनता है वो नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकली बनता है। अब अल्फ़ाबेटिकली कोई भी रजिस्टर बनता है तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो नाम के हिसाब से या तो फिर सरनेम के हिसाब से वो लोग रजिस्टर बनाते हैं। हमें सरनेम वनेम कुछ नहीं पता है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ लालू या लाली क्या दिया है वो देखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर अल्फ़ाबेटिकली सोचें तो अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, उसमें से कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली एल है, मतलब अभी पहला लेटर दोनों का इक्वल है। अगर किसी का नाम लालू है और किसी का नाम बाबू है तो ऑब्वियसली बाबू पहले आएगा, क्यों, बिकॉज ए बी, तो बी पहले आया तो बाबू विल बी फर्स्ट। लेकिन अगर लालू एंड लाली के लिए सोच रहे हो तो दोनों का फर्स्ट इक्वल है, दोनों का सेकेंड लेटर वो भी इक्वल है, फर्स्ट इक्वल हो रहा है तो वो लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड इक्वल है तो वो लोग थर्ड देखेंगे, मतलब एल एंड एल तो वो भी इक्वल है। तो अब बारी है यू एंड आई की, तो यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड क्या होता है, यू एंड आई मतलब ये दो लेटर्स में से अगर हम ये सोचें कि भी अल्फ़ाबेटिकली पहला लेटर कौन सा आता है तो हमारे दिमाग में भी पहले आई आता है और अल्फ़ाबेटिकली भी पहले आई आता है, एक्चुअली आना चाहिए यू, लेकिन ज़िंदगी में हर दम हर जगह पे पहले आई आता है वो नहीं आना चाहिए। तो पहले आया आई मतलब पहला नंबर आएगा लाली का एंड दूसरा नंबर आएगा लालू का, ठीक है। लड़कियों को हमेशा ऐसा होता है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा स्लीम दिखना है, मुझे उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखना है, ज़्यादा स्टाइलिश दिखना है, ठीक है, मेरे बाल ऐसे लगने चाहिए, मेरा चेहरा ऐसा लगना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। मुझे भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है, लेक्चर में तो नहीं करते बट फिर भी, सो मतलब लाली विल बी फर्स्ट, क्यों, बिकॉज उसमें आई आया और उसमें यू था, अगर आई के बदले यहाँ पे ए आ जाता, ठीक है, सपोज ऐसा सोचते हैं कि लालू में लाला हो जाता, ठीक है, तो अगर वो लाला हो जाता तो वो ए आता, तो ए वुड बी फर्स्ट। मतलब अल्फ़ाबेटिकली अगर हम डिसाइड करें तो हमें ये देखना है कि भी लेटर वाइज किसका कौन सा नंबर है, तो उसी हिसाब से अगर मुझे ये सोचना है कि ध्रुव में मुझे अल्फ़ाबेटिकली इन सबको अरेंज करना है, ठीक है। सो अगर हम ये सोचें कि कितने लेटर्स हैं, सो वी आर हैविंग फाइव लेटर्स डी एच आर यू वी, ये वाले सम में अगर मैंने ऐसा लिखा होता डिक्शनरी ऑर्डर तेजस के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाता, ए ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे K L M N O P Q R S T, मतलब अगर मुझे कोई वर्ड बनाना होता फाइव लेटर का, सो आई वुड हैव स्टार्टेड विथ A, उसके बाद E, उसके बाद J, उसके बाद S, उसके बाद T, तो ठीक उसी तरह अगर मुझे चाहिए ध्रुव के लिए, सो उसमें ड्रामेटिकली दिस वर्ड इज सो मिस्टीरियस, ये वर्ड में ऐसा है कि भी जो भी लेटर्स अरेंज करे हैं ए बी सी डी वाइज सेम है अल्फाबेटिकली ए बी सी डी, सो अगर मैंने डिक्शनरी ऑर्डर लिखा सो डी इज द फर्स्ट ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, सो दिस इट्सेल्फ इज द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो भी पहला नाम बनेगा, अगर इसमें मैंने आपको ये पूछा होता फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट
फर्स्ट वर्ड फॉर फाइव लेटर्स अगर ये पूछा होता तो वो आ जाता AEGST. ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्ड होता, मीनिंग या विदाउट मीनिंग कुछ भी चलेगा. तो उसी तरीके से इसमें अगर मुझे फर्स्ट वर्ड चाहिए, सो फर्स्ट वर्ड इज ध्रुव इटसेल्फ, मतलब ध्रुव नाम के लेटर्स को रीअरेंज करके फाइव लेटर के बाकी के वर्ड्स भी बनाए जाए तो उसमें भी ध्रुव विल स्टैंड फर्स्ट. ठीक है, अगर मुझे लास्ट चाहिए तो बहुत सिंपल, जैसे यहाँ से हम गए तो जो सीधा ऑर्डर है वो फर्स्ट, तो ऑब्वियसली लास्ट के लिए ये उल्टा वाला ऑर्डर इज लास्ट. मतलब व्हाट वुड बी द लास्ट वर्ड, VURHD. ठीक है, सेम वे इसी इसमें कि अगर मुझे लास्ट वर्ड चाहिए तो लास्ट वर्ड कौन सा होगा, TSJEA. ठीक है, अब कितने वर्ड्स टोटल बनेंगे, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, फाइव. इसमें भी ये भी मैंने फाइव वाला लिया था, फाइव लेटर वर्ड विथ फाइव लेटर्स, सो 5P5. किस तरीके से पांच लेटर्स को अरेंज करना है पांच प्लेसेस में, विच इज 5 × 4 × 3 × 2, विच इज कॉल्ड 5 factorial. किस तरीके से, उसका भी एक प्रूफ है. अगर मैंने लिखा NPN, सो फॉर्मूला इट इज N factorial upon N minus N factorial, विच इज 0 factorial इज 1. सो आंसर आना है N factorial. मतलब 5P5 का आंसर क्या आएगा, 5 factorial. 6P6 होता तो 6 factorial. मतलब ये हो गया आपका डिक्शनरी ऑर्डर. ठीक है, तो डिक्शनरी ऑर्डर वाइज ध्रुव आएगा फर्स्ट. अब अगर हम यही नाम को लेके आगे बढ़ते हैं, चलिए एक काम करते हैं, मैं दूसरा एक नाम ले लेती हूं. मैं अभी थोड़े छोटे छोटे नाम ले रहे हूं इसलिए, बिकॉज अगर बहुत लंबे नाम हो गए जिसमें रिपीटेशन ना हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, जिसमें रिपीटेशन नहीं होता कोई भी लेटर का, बिकॉज हम रिपीटेशन वाला नहीं सीखे हैं. अगर मैंने ले लिया होता हॉस्पिटल्स, तो उसमें भी हॉस्पिटल नॉट एस, हॉस्पिटल तो रिपीटेशन नहीं होगा. लॉगरिदम्स या लॉगरिदम, तो उसमें भी रिपीटेशन नहीं होगा. मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं है, और अगर आप कर रहे हो तो लंबा, मतलब बहुत ही प्रोसेस लंबी हो जानी है. अब मैंने ले लिया है ये वर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा छोटू सा नेम है मेघ. ठीक है, अब ये नेम में आप ये देखिए कि हाउ मेनी लेटर्स, 4 letters. अगर मुझे इन्हीं को रीअरेंज करना है, रीअरेंज एंड फाइंड ऑर्डर. अब ये क्या पूछा है, किसका ऑर्डर, कैसा ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऐसा ऑर्डर क्या पूछा है ये आपको, तो ये चीज़ पूछी है कि भी मेघ लेट, मतलब मेघ वाले वर्ड में से MEGH ये लेटर्स को रीअरेंज करके, शफल करके पहले तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है, सो 4 letters 4 places, मतलब अगर पूछा हो टोटल वर्ड्स 4P4. ठीक है, विच इज 4 factorial, विच इज, ये अभी मैं आपके लिए लिख रही हूँ वरना अब मैं डायरेक्टली 24 लिखूंगी. 4 factorial इज 24, 3 factorial इज 6, 5 factorial इज 120, 6 factorial इज 720 एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उसी हिसाब से अब मुझे देखना है इसका डिक्शनरी ऑर्डर. सो अगर मैंने लिखा डिक्शनरी ऑर्डर, सो ABCDEFGHIJKLM, मतलब दिस इज द डिक्शनरी ऑर्डर. अब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सम को. ठीक है, अगर मैंने डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट करा तो पहला लेटर आएगा E. अब मुझे जो नाम चाहिए दैट इज मेघ, तो मेघ के लिए कंपल्सरी M शुड बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस. हमारे पास अभी E है फर्स्ट प्लेस पे, विच इज नॉट वैलिड, मतलब आई एम नॉट इवन गोइंग टू द सेकेंड प्लेस, बिकॉज ये मेरे काम की चीज़ नहीं है तो मैं आगे भी क्यों बढ़ूँ. जिस गांव जाना ही ना हो उसका रास्ता क्यों पूछना, हमें जाना ही नहीं है ई वाले वर्ड्स में, वो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे एम वाले वर्ड्स चाहिए. मतलब जब तक एम नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे. मतलब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पहले प्लेस पे एम लाइए.
अब कौन है ई, वो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब आपके क्लास में सपोज ऐसा सोचिए कि 20 या 25 लड़कियां हैं, आपको कोई एक लड़की भाग गई, ठीक है, वो आपको स्माइल नहीं दे रही है, लेकिन बाकी की सारी लड़कियां आपको स्माइल दे रही है, तो आप जाओगे? नहीं जाना है, बिकॉज आपका एम क्या है, वही वाली लड़की, मतलब यहाँ पे हमारा एम क्या है, एम, एम शुड बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस। तो जब तक एम नहीं आएगा हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं, मतलब ई अगर फिक्स हो गया तो बाकी के तीन प्लेसेस के लिए जी एच एम विल बी देयर, थ्री प्लेसेस, थ्री लेटर्स, अगर उनको अरेंज करा सो वी कैन सी 3P3 विच इज कॉल्ड 3 factorials, मतलब 6 words बनेंगे, 3 factorial मतलब 6। अगर मैंने उसके बाद ले लिया जी, सो अब मुझे जी भी नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस में, सो हम इसको भी छोड़ देंगे, सो 3P3, तो इसके भी वर्ड्स बनेंगे 6, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से 6 बनेंगे, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे जी एच एम, जी एम एच, फिर एच को फिक्स करके जी एम एम जी, फिर एम को फिक्स करके एच एन जी एन जी एन एच, ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिमिलरली जी वाले वर्ड्स नहीं चाहिए, अब टर्न आएगा एच का, जाना तो कंपलसरी टर्न बाय टर्न है, यू कांट डायरेक्टली जंप ऑन टू द एम, आपको टर्न बाय टर्न ही जाना है, मतलब जो भी रास्ते में आ रहा है आपको गिनना है कि आपने कितने ऑप्शंस छोड़ दिए हैं। सो नाउ अगेन फॉर एच इट विल बी 3 letters, 3 places, 3P3 विच इज 6। अब आएगा हमारा एम, इफ एम हैज बीन फिक्स्ड एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब हमें जो चाहिए वो आ गया, यस, तो उसके बाद अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर, वो जो मैंने लालू लाला लाली सिखाया था उसी तरीके से कि एल सिमिलर था, देन वी हैव जम्प्ड ऑन द सेकेंड लेटर, फिर सेकेंड में ए सिमिलर था तो थर्ड लेटर, उसमें एल सिमिलर था तो हम गए यू एंड आई में, तो सेम वे यहाँ पे एम इज देयर, तो एम अगर फिक्स हो गया है तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लेटर कौन सा है, ई, क्या मुझे मेरे नाम में ई चाहिए, यस इट इज देयर, मतलब ये भी फिक्स हो गया। सिमिलरली ई के बाद मुझे चाहिए, मतलब आ क्या रहा है, जी, और चाहिए भी क्या, जी, मतलब ये जी भी फिक्स हो जाएगा बिकॉज ई के बाद कंपलसरी जी आता है, फिर जी फिक्स हो गया तो आएगा कौन, एच, मतलब ई जी एच ऑन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेस डायरेक्टली, बिकॉज वही ऑर्डर मुझे चाहिए और वहां पे भी वही ऑर्डर है, तो ये कितने वर्ड्स बने, एक वर्ड बना, ठीक है, बाकी के जो वर्ड्स बनेंगे, मतलब इसमें भी 6 words बनेंगे एम वाले, लेकिन उसमें से पहला बना एम ई जी एच, बाकी जी एच को शिफ्ट करके एच जी, या ई के बदले जी, ई के बदले एच, वो भी हो सकता है, तो उस हिसाब से बिफोर मेघ 6 plus 6 plus 6 18 words, सो नंबर और वी कैन से ऑर्डर ऑफ मेघ इज 18 plus 1 विच इज 19th word। अगर आपको ये पूछा हो कि मेघ ये बन रहे 24 words में, 24 words were supposed to be there, ठीक है, तो वो जो 24 words हो रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल, उसमें से मेघ कौन से नंबर पे है, सो मेघ इज देयर विद द 19th number। हमने यही करा था ध्रुव के लिए कि आउट ऑफ 120 words, ये 5 factorial, मतलब कितने वर्ड्स हो गए 120, उसमें से ध्रुव कौन से नंबर पे है, सो ध्रुव इज देयर विद द फर्स्ट प्लेस डायरेक्टली, बिकॉज वही का वही हो रहा है, ठीक है। सो नाउ एक और हम सम करेंगे, पहले ये सब देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, तो हमने फॉर्मूला के हिसाब से जो हमें सम्स दिए थे एन फैक्टोरियल या एन पी आर, एन पी फोर, एन पी टू, उस हिसाब से हमने सम करे, फिर हमने ये देखा कि अगर रिपीटेशन के बिना कोई वर्ड्स अगर आपको दिए हैं तो उसमें डिक्शनरी ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से आप फैक्टोरियल यूज़ कर सकते हो, 5P4 या यहाँ पे 5 factorial, यहाँ पे 4 factorial, सो ये हमारी सिंपल सी मैथड है। एक और सम हम करेंगे
कि अगर तेजस वाले में मुझे ऑर्डर फाइंड करना है कि कौन सा ऑर्डर आएगा. लेट्स सी किस तरीके से होता है. ये जो डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम हैं वो नॉर्मली JEE में बहुत बारी पूछे गए हैं बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये डिक्शनरी ऑर्डर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपकी टेक्स्ट बुक में उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. तो ध्यान से देखिएगा, हम थोड़े बड़े भी वर्ड्स लेंगे लेकिन पहले स्टार्टिंग हमने छोटे वर्ड्स से किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो. जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं. जिनके लिए हम रोते हैं चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा सम. तो हम लेंगे यही तेजस वाला एग्जाम्पल. क्या था तेजस वाले एग्जाम्पल में, या फिर कोई अगर दूसरा भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो. ठीक है, ऐसा कोई वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें रिपीटेशन ना होता हो. सो चलिए सपोज मैंने ले लिया कोई एक और वर्ड जिसमें रिपीटेशन ना होता हो. नॉर्मली सौम्या का स्पेलिंग होता है SAUMYA. मैंने जानबूझ के इधर SOUMYA लिखा है सो दैट द रिपीटेशन इज नॉट देयर. ठीक है, अब ये वाले सम्स में आप ये देखिए कितने लेटर्स हैं पहले हमारे पास, 6 लेटर्स. अगर मुझे पूछा है 6 प्लेसेस का ही एक दूसरा वर्ड बनाना है, सो टोटल पॉसिबल वर्ड्स इक्वल्स टू 66 विच इज 6 factorial, मतलब 720 वर्ड्स आर इन मेकिंग. ये काइंड ऑफ एक हम डिक्शनरी बना रहे हैं 6 लेटर्स के वर्ड्स की. आई एम नॉट टेकिंग 5 लेटर्स 4 लेटर्स, वो तो 6P5 6P4 6P3 उस तरीके से होगा. हमने सिर्फ अभी 6 के 6 यूज़ करके यहाँ पे ये वर्ड के लिए टोटल वर्ड्स कितने बने 720 विथ और विदाउट मीनिंग, कुछ भी मीनिंग हो चलेगा. तो यहाँ पे अगर अब हम देखें कि डिक्शनरी ऑर्डर क्या है, फॉर डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, क्या है आपका डिक्शनरी ऑर्डर. सो ए, यस इट इज़ देयर. बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. ठीक है, मतलब हमारे पास पहला लेटर आ रहा है ए. मुझे जो नाम चाहिए उसमें फर्स्ट लेटर है हमारा एस. मतलब जब तक एस नहीं आएगा मैंने आगे नहीं जाना है. ये कैसा है कि हमारी मांगे पूरी करो, अगर ये होता है तो ही हम ये करेंगे, उस तरीके का है. ठीक है, कि अगर एग्ज़ाम आती है तो हम पढ़ते हैं वरना हम नहीं पढ़ते. तो एग्जैक्टली लाइक दैट, कि अगर ए आता है तो हम आगे नहीं जाएंगे. हम कब तक आगे नहीं जाएंगे, जब तक एस नहीं आ जाता. तो सेम वे स्टार्ट करते हैं ए से. वी नीड एस ऑन द फर्स्ट प्लेस. सो बाकी रह गए 1 2 3 4 5. अगर मैंने ए ले लिया तो बचे 5, जगह भी 5. सो बनेंगे 5P5, मतलब 5 factorial, माने 120 वर्ड्स जो हमारे काम के नहीं है. सेम वे उसके बाद आना है एम को. तो अगेन 1 2 3 4 5, जगह 5, बने लेटर्स भी 5. सो 5P5 विच अगेन इज 5 factorial, ये 120 भी मेरे काम के नहीं है. फिर आएगा
O, 1, 2, 3, 4, 5, विच इज 5P5, वापस से 5 फैक्टोरियल, ये 120 भी मेरे काम के नहीं है। अब कहीं जाके आएगा S, मतलब S हमें चाहिए था वो आ गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे S के बाद से। अगर एक बार जो लेटर आपको चाहिए, यू आर गेटिंग द लेटर, मतलब यू हैव टू गो फर्दर इनटू दैट, मतलब इसी में आपको अंदर की अरेंजमेंट्स देखनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, इफ एस हैज बीन फिक्स्ड, सो नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद डिक्शनरी ऑर्डर। सो ए, अब ये डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम सोचें तो ए हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओ, मतलब जब तक अब ओ नहीं आएगा, एस फिक्स हो चुका है, अब एस आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैंने लिया ए, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, सो बाकी के एम ओ यू वाई से, विच इज 4 लेटर्स 4 प्लेसेस, सो अब ये 24 बने, वो मेरे काम के नहीं है, बिकॉज एस फिक्स हो चुका है, तो 120 नहीं बनेंगे बिकॉज हम आगे जा चुके हैं। तो उसके बाद वापस एस फिक्स हम लेंगे ए के बाद एम, वो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें एम चाहिए नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4, विच अगेन इज 4P4, विच इज 4 फैक्टोरियल, विच इज 24। उसके बाद एस फिक्स, अब अगर हमें एम नहीं चाहिए तो नंबर आएगा ओ का, तो अब हमें ओ चाहिए, यस वी नीड ओ ऑन द सेकेंड प्लेस, तो अगर ओ चाहिए मतलब दैट हैज बीन फिक्स्ड, जो फिक्स हो जाता है उसको कट कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सम हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि एस फिक्स हो गया, ओ फिक्स हो गया, सेकेंड प्लेस फिक्स हो गया, मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कि आप किसी को मिले पहली बार आप गार्डन में मिले, ठीक है, तो आप दूर दूर बैठते थे, फिर आप बहुत बारी मिलने के बाद एक ही बेंच पे बैठने लगे, तो आपने थोड़ा सा उनको टच करा, फिर थोड़ा थोड़ा टच चालू है, फिर ऐसा कुछ हुआ कि गार्डन में कोई नहीं है, तो आपने धीरे से हाथ पकड़ लिया, मतलब आपको सिचुएशन देख के आगे बढ़ना है, एंड यू ऑल आर टोटली अवेयर ऑफ इट, आपको पता है कि कब हमें आगे बढ़ना है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट एस आ गया, ओ आ गया, सो नाउ वी कैन गो फर्दर बिकॉज हमारी मांगे पूरी हो रही है, हमें एस चाहिए था, ओ चाहिए था, सो अब वापस नंबर किसका आएगा, अब वापस आएगा ए, अब ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ेगा जब तक उसका नंबर नहीं आ जाएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब ए मुझे चाहिए नहीं, आई डोंट नीड ए, तो अब ये 3 प्लेस पे मैं क्यों जाऊँ, मुझे चाहिए ही नहीं वो, सो दैट इज़ 3P3, मतलब ये 6 वर्ड्स भी मेरे काम के नहीं है। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो तो कि मैंने जहाँ से कोई भी कैलकुलेशन छोड़ी है सेम प्लेस पे नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करी है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे छोड़ा तो फर्स्ट पे स्टार्ट किया, फर्स्ट पे छोड़ा फर्स्ट पे स्टार्ट किया, ये सेकंड पे छोड़ा सेकंड पे स्टार्ट किया, अब ये मैंने थर्ड पे छोड़ा है तो हम थर्ड पे ही स्टार्ट करेंगे। ए के बाद कौन आएगा, एम, मुझे एम नहीं चाहिए, मतलब 3P3 3 फैक्टोरियल, विच अगेन इज 6। अब आएगा, बहुत ही बकवास नाम लग रहा है सम करके आपको, ठीक है, नाम भले कितना भी अच्छा हो लेकिन एक बार ऐसा सम आप कर लो फिर जिसका भी नाम हो आपको कतई पसंद नहीं आने वाला, ठीक है, होता है। तो क्या होगा, एस ओ, एम आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो अब आप जाएंगे डायरेक्टली यू पे बिकॉज ओ एस तो फिक्स हो चुके हैं, सो यू, अब यू आपको चाहिए, यस वी नीड यू, मतलब एस ओ यू फिक्स हो गया, सो वी हैव टू गो फर्दर, तो वापस से ये तो आपका, अरे ए आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं जब तक नहीं आएगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना, लेकिन जब तक ए नहीं आ जाएगा वो हर बारी पहली बार में टपकना ही है। जब आप छोटे होंगे नॉर्मली हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब नॉर्मली सारे लड़के इकट्ठा होके क्रिकेट खेलते हैं तो 10-12 लड़कों में कोई एक लड़का ऐसा होता ही है हमेशा कि जो हर बारी बैट लेके चला ही जाता है, मैं बैटिंग करूँ हर बारी, हाँ
वैसे उसको बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग नहीं आती, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, कोहली हैं। तो हर बारी जैसे ही कुछ स्टार्ट होगा खेलने का, मैं बैटिंग कर लूँ, मैं बैटिंग में जाऊँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो उसी तरीके से जब तक एक का टर्न नहीं आएगा और हर बारी जितने प्लेयर्स आउट होके आते जाएंगे ना, अब मैं जाऊँ तो ऐसा एक का है, जब तक उसका टर्न नहीं आएगा वो हर बारी मैं जाऊँ नहीं, यू डोंट आउट, आपको नहीं जाना है। कब तक? जब तक आपका प्रसाइज लेटर वहाँ पे नहीं आ जाता, मतलब वी डोंट नीड ए, तो छोड़ दीजिए। तो अगर हमने यहाँ से सम छोड़ा, बचे दो, सो इट इज़ 2p2 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इटसेल्फ। अब एस ओ यू फिक्स्ड है हमारा, ए नहीं चाहिए, तो कौन आएगा? एम, एंड वी नीड एम, एम है हमारे फोर्थ प्लेस पे। तो अब वापस से ये नहीं चाहिए हमें, मतलब वापस से हमें ये सम छोड़ देना पड़ेगा, एक ही लेटर बचा, 1p1 1 फैक्टोरियल इज 1। सो फाइनली एस ओ यू एम फिक्स, ए के बदले वाई, एंड इफ वाई हैज़ बिन फिक्स तो आ जाना है ए, सो दिस इज ओनली वन वर्ड। ठीक है, तो इसके पहले टोटल कितने वर्ड्स बन गए? तो ये था 120, फिर हो गया 240 एडिंग दैम, सो दिस इज 360 एडिंग दिस, देन 24, सो इट इज 384 एडिंग दिस, 384, सो अगर मैंने 24 ऐड कर लिया, 24 ऐड करने से कितना होगा, इट इज 418। ठीक है, फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 4 एंड 4 सो 88, 88 एंड 20, यस इट इज, नहीं 408, 384 प्लस 24, सो इट इज़ 408। ठीक है, प्लस आ गया आपका 6, 414 वापस आ गया 6, अरे ये तो बहुत ही 420, ये नाम ही देख के लगता है कि कुछ 420 जैसा ही बंदा होगा, देखते हैं क्या होता है। 420 एंड 2, सो इट इज़ 422, दिस इज़ 423 एंड दिस इज़ द लास्ट 424th word is Saumya। ठीक है, अगर आपको ये सवाल पूछा हो, नॉर्मली किस टाइप के सवाल पूछते हैं कि हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर पॉसिबल विथ 6 लेटर्स, 720। ठीक है, फिर ऐसा पूछा हो कि बिफोर Saumya हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी पॉसिबल, 423। फिर आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि वॉट विल बी द डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ Saumya, 424। ठीक है, कुछ भी पूछे, यही सेम मेथड आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं आपको एक दो वर्ड्स दे देती हूँ जो आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, कि अगर आपको पूछा हो हॉस्पिटल, केमिस्ट्री एंड लॉगरिदम, ये वर्ड्स अगर आ गए भाई आपको, ठीक है, तो फिर तो गंगा नहा लिए, ऐसा समझ लीजिए कि भाई किसी के बाप की औकात नहीं कि आपको कोई भी सम दे दे और आपको ये सम ना समझ में आए। ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड्स आपने सही से बना लिए, तो पहले क्या करना है, कितने लेटर्स है वो काउंट करना है, उसके हिसाब से फैक्टोरियल आना है। जैसे कि हॉस्पिटल, तो HOSPITAL 8 लेटर्स, तो टोटल वर्ड्स बनने हैं 8 फैक्टोरियल, मतलब 40320, मतलब 40,320 वर्ड्स। उसमें से वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ हॉस्पिटल, जैसे हमने यहाँ पे करा ऑर्डर ऑफ Saumya। ठीक है, सेम सम नहीं, सेम नहीं, कोई और लेते हैं, जैसे कि चलिए अब मैंने ले लिया जयदीप। ठीक है, नॉर्मली जयदीप में DEEP होता है, जैसा बंदा वैसा नाम। ठीक है, कोई होता है जिसको बहुत ही ऐसा गुरूर होता है कि भैया अपना नाम तो बहुत अच्छा है, तो डबल ही लिखते हैं, क्या डबल ही लिखने का, आई लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो जय में डिप कर रहा है, ये जय में डिप करने से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स मतलब 6 लेटर्स, 6 प्लेसेस। मुझे ये एक्चुअली नाम ज़रा भी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, सो दिस इज 6p6 इज 6 फैक्टोरियल, 720 वर्ड्स।
अब यहाँ पे जैसे कि ये सम था कि हमने ये फाइंड करा कि सौम्य नाम था तो वो खुद कौन से नंबर का है. अब यहाँ पे मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपको, फाइंड 500th वर्ड, मतलब आउट ऑफ 720 मुझे चाहिए कि 500वें नंबर पे कौन सा वर्ड बन रहा है. मीनिंग विदाउट मीनिंग इट्स ओके, जो भी बने वो मुझे चाहिए. ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि डिक्शनरी ऑर्डर अगर हम लिख लें, सो फॉर द डिक्शनरी ऑर्डर विच इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई. ठीक है, तो उस हिसाब से हमें स्टार्ट करना है ऑब्वियसली ए से. अब ए से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 फाइव लेटर्स, फाइव प्लेसेस, फाइव पी फाइव, मतलब मुझे पता है कि सिर्फ 120 वर्ड्स बन रहे हैं. मुझे कौन सा चाहिए, 500, मतलब 500वां वर्ड चाहिए. यहाँ पे कितने बन रहे हैं भाई, यहाँ पे बन रहे हैं 120, तो वो मेरे काम के हैं नहीं, मुझे तो 500वां वर्ड चाहिए. 500, मतलब जब तक हमारी कैलकुलेशन में 500 नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे. सो मूविंग विद नेक्स्ट, ए नहीं चाहिए, सो 1 2 3 4 5 इसमें वापस से 5p5, मुझे यहाँ पे भी पता है कि 5 फैक्टोरियल इज 120. सो नाउ वी हैव रिच्ड टिल 240, मतलब जब तक हमारी कैलकुलेशन में 500 काउंट नहीं होगा हमें सेकेंड प्लेस पे जाना ही नहीं है. फिर आई 1 2 3 4 5 विच इज 5p5, 5 फैक्टोरियल 120, सो दिस इज 360, मतलब अभी भी नहीं. जे आया तो 1 2 3 4 5, 5p5 अगेन 5 फैक्टोरियल, तो अब हो जाना है 480, मतलब अब हम थोड़े नज़दीक है. अब मैंने ले लिया जैसे कि पी, तो वापस से 120, तो 600 हो जाना है. 480 एंड 120 तो 600, मतलब पी इज़ फिक्स्ड बिकॉज उसमें आ रहा है आंसर. ठीक है, तो उसी हिसाब से अब मैंने सेकेंड लेटर के लिए सोचा, हमें नंबर चाहिए था, नंबर आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में, तो उसके बाद आई स्टार्ट अगेन विथ ए. तो अगर ए से स्टार्ट करा, बचे कितने, 4, 4 लेटर्स, 4 प्लेसेस, 4p4 विच इज़ 24. 24 एंड 480 वुड बी ग्रेटर देन 500, 504 होगा, मतलब ए वाले वर्ड में जाना पड़ेगा. तो उसके बाद डी, ठीक है, तो अब डी अगर यहाँ पे बन रहा है तो डी के हिसाब से 1 2 3 3 फैक्टोरियल 6, तो वो हो जाना है 486. मेरे आंसर में नहीं आ रहा है, मतलब हमने छोड़ दिया. फिर पी ए डी के बदले आई, तो वापस से आ जाना है 3p3, 3 फैक्टोरियल 6 विच इज 492, 6 ऐड करते गए. फिर आएगा पी ए जे, आई नहीं हो रहा है तो जे, सो 1 2 3, सो विच इज़ अगेन 3p3 विच इज़ 3 फैक्टोरियल. सो नाउ दिस इज बहुत ही नज़दीक, किश्तों किश्तों में बट गई है ज़िंदगी. ये सम्स में, इस टाइप के सम्स में जहाँ पे आपको नंबर दिया गया हो, आपको लास्ट में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैंक से लोन लिया और किश्तें भर रहे हैं, और आखिरी जब किश्तें होती ना बहुत ही खींच 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 के चलते हैं, बस एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है. क्या होगा, 480 तक तो धड़ाधड़ पहुँच गए, लेकिन अब 486, 492, 498, होल्ड इट डाउन. पी ए जे हमें नहीं चाहिए, सो पी ए जे के बाद आना है y. अब अगर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा तो बढ़ जाना है, मतलब y फिक्स. तो उसके बाद d अगर मैंने लिखा, ऑर्डर वाइज तो d आ रहा है, तो d के बाद 2 आ जाने हैं, सो दिस इज 2p2 विच इज 2 फैक्टोरियल 2, मतलब 500 हो गया, मतलब इसी में मुझे जाना था आगे. तो अब 500 के लिए बचे कौन कौन हैं, आई एन जे, डी तो फिक्स हो गया. सो अगर मैंने आई जे ऑर्डर लिखा होता तो ये 499th होता, और अगर जे आई लिखा होता, मतलब आगे के पी ए वाई डी फिक्स, आई जे लिखा होता फर्स्ट ऑर्डर तो वो 499, एंड पी ए वाई डी पैट जी, सो ये हो जाना है आपका 500th वर्ड.
मतलब दो टाइप के सम्स होते हैं कि एक तो आपको डिक्शनरी ऑर्डर फाइंड करना है, या फिर उन लोगों ने ऑर्डर दिया है और आपको वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी भी हमारा रिपीटेड परम्यूटेशन तो बाकी ही है। अभी हमने जो सम किए कि भाई नॉर्मल फॉर्मूला वाले सम किए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने किए ये कैलकुलेशन वाले सम, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम। दो टाइप के सम होते हैं कि आपका खुद का जो वर्ड दिया है उसका नंबर कौन सा है, या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, सो नॉर्मली ये दो टाइप के सम्स आपको पूछते हैं। जस्ट बी प्रिसाइज विद द ABCD, आपको ABCD आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार बहुत ही जल्दी से ABCD रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो गाना? ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ, तुम भी कहो। ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ, याद रखो ABCD बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि आप इतने से थे, नहीं इतने भी नहीं होंगे, इतने से थे तब आपने ABCD सीखी थी, वो आप इतने हो गए फिर भी काम आनी है। ज़िंदगी में सीखा हुआ कुछ भी कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा ABCD, और फैक्टोरियल में बहुत ध्यान से सम करिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है और साथ साथ इजी भी है। ठीक है, सो मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छे वाले सम्स हैं। सो ये ऑब्वियसली अब आपको ये सब लिख के प्रिपेयर करना है, ना समझ में आए वीडियो में तो रिवाइंड करना है। वो जो सम्स मैंने लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सब एक्स्ट्रा करवाया है, तो ये ट्राई करिएगा आप। ठीक है, और कुछ भी ना समझ में आए तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रिपीटेड एंड सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ, जो कि आज करना था पर कहाँ से शुरू करा था, लोग जुड़ते गए, महफिल बनती गई, कारवां चलता गया, तो उसी हिसाब से कोई और ही कंसेप्ट हो चला, कोई दिक्कत नहीं। हम भी यहाँ हैं, आप ही यहाँ, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद रिपीटेड परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर, बाय बाय, आओ जो